जो कैब सर्विस है, जुगनू कैब सर्विस पर्टिकुलरली, इन्होंने क्या काम किया है, ये ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं, ड्राइवर्स आते हैं आपके घर पे, आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, कुछ सहूलियत लोगों को भी मिली है, लेकिन ये सब अनऑथराइज गाड़ियां हैं, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ, कोई भी लाइबिलिटी इनकी नहीं बनती है, कोई भी आंसरेबिलिटी नहीं बनती है, अगर खुदा ना खास्ता कोई केस हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो कोई भी लायबल नहीं होगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। मेरी नज़र में ये केस आ गया, ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। कई बार इन्होंने तो मिसबिहेवियर और ओवरचार्ज भी किया। हमारी बहू बेटियां ट्रैवल करती हैं इन गाड़ियों में, बच्चे ट्रैवल करते हैं इन गाड़ियों में, हमारे को सेफ्टी और सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरी अपील रहेगी बेटियों से, बच्चियों से, बुजुर्गों से जो ये सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को, काइंडली ये चेक कर लीजिए कि ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं ये रजिस्टर्ड हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ या नहीं, उसके बगैर ये इन गाड़ियों में ना चढ़े। हर एरा गैरा इन सर्विसेज के साथ अपने आप को जोड़कर आपके घर में आता है और आपके बच्चों और बीवी बच्चों को, बेटियों को ये लिफ्ट दे रहे हैं, क्या ये जायज़ है? दूसरी चीज़, ये जो फ्रॉडलेंट कंपनी है, इसके खिलाफ हम, हमें जो कंप्लेंट्स आई हैं उसके बिना पे हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तीन गाड़ियों को हमने सीज कर लिया है, उनके ड्राइवर्स को हमने सीज पकड़ लिया है उनकी, और हम आगे चल के भी हम ये इन्वेस्टिगेशंस जारी रखेंगे। इनफैक्ट हमारा ये जो क्रैकडाउन है वो चलता रहेगा, हम सीजर्स बरकरार रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीज की हैं वो प्राइवेट गाड़ियां ही हैं, उनको कोई रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, वो टैक्सीज नहीं है, ना ही उनको कोई लोगो लगा है कि फलानी ये जुगनू कैब्स है, कोई लोगो नहीं है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द कंपनी, दे डोंट नो कि ये कंपनी जो है उसका ऑफिस कहाँ पे है। यहाँ श्रीनगर में उनका ऑफिस कहाँ पे है? अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका ऑफिस भी नहीं है यहाँ पे, वी कैन नॉट लोकेट द ऑफिस। तो मेरी गुजारिश लोगों से, पब्लिक से यही रहेगी कि ये जो कंपनी है इसकी और इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ और लोग भी ऑपरेट कर रहे हों, तो काइंडली इनको आप अप्रोच ना कीजिए, कैब बुकिंग इनसे नहीं कराइए। ये हमारी वार्निंग भी है बच्चों के लिए, लोगों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली। अनऑथराइज एग्रीगेटर सर्विसेज हैं, अनऑथराइज से ही आपको पता चल रहा है कि ये कबूले काबिलियत नहीं है, कबूल नहीं हो रही है हमको।